जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू स्टडी फॉर जीनियस। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम 2021 के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है कि एसएससी जीडी ने अपनी जो लास्ट डेट है वो 31 अगस्त को ही कर दी है। अब दोस्तों, छात्रों के मन में एक ही सवाल है कि इसका जो एग्जाम है वो कब से कंडक्ट कराया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, यानी एसएससी जीडी का जो एग्जाम है वो कब से कराया जाएगा और इसके जो एडमिट कार्ड हैं वो दोस्तों कब से आने वाले हैं। ये दोस्तों आप सभी के बहुत बड़ा क्वेश्चन निकल के आता है कि एडमिट कार्ड कब से आएंगे और दोस्तों अब तक कुल कितने फॉर्म फिलअप हुए हैं। आज की इस वीडियो में दोस्तों पूरा बिल्कुल क्लियर होने वाला है, आप सभी के जितने भी क्वेश्चंस हैं सब दोस्तों क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और एसएससी जीडी के बारे में आपको बिल्कुल बेसिक से सब कुछ क्लियर कराते हैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता देते हैं कि अगर आप भी एसएससी जीडी में भर्ती होना चाहते हैं और आपको नहीं पता है कि भाई एक स्टडी यहाँ पर करने का क्या तरीका है, यानी दोस्तों हम एग्जाम को क्लियर कैसे कर पाएंगे ये आपको नहीं पता है, तो देखिए दोस्तों एग्जाम को क्लियर करने के लिए सबसे पहले आपको फोकस करना पड़ेगा भाई यहाँ पर अपनी स्टडी पर कि हमें कैसे दोस्तों स्टडी प्लान को आगे बढ़ाना है अपने। तो दोस्तों आप सभी को मैं यहाँ पर बता देता हूँ, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी इस वर्दी को पाना चाहते हैं तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ओनली दोस्तों आप हमारी इस पीडीएफ को पढ़ लीजिएगा, आपका 101% सिलेक्शन होगा। ये दोस्तों मेरी गारंटी है क्योंकि दोस्तों इससे पहले भी हमने काफी अभ्यर्थियों का सिलेक्शन कराया है। ये दोस्तों कोई मजाक नहीं कर रहा हूं मैं आप सभी लोगों के साथ, सीरियसली दोस्तों मैं आप सभी से बोल रहा हूं कि अगर आप सभी को इस बार वर्दी चाहिए तो आप इस पीडीएफ को पढ़ लीजिएगा, 101% दोस्तों आपका एग्जाम क्लियर होगा, एग्जाम की खोपड़ी में छेद दोस्तों आप करके आएंगे, ये मेरा दावा है आप सभी से। जी दोस्तों, 1000 रुपये की जो पीडीएफ है मात्र आप सभी को 100 रुपये में मिल रही है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि सर प्राइस क्यों रखा हुआ है। देखिए दोस्तों, बहुत सारा जो मटेरियल है उसे बनाने में जो खर्चा आता है सिर्फ वही आपसे लिया जा रहा है। 100 रुपये में दोस्तों आप सभी को यहाँ पर एसएससी जीडी का जो एग्जाम है वो पास कराया जा रहा है। ये दोस्तों कोई छोटी बात नहीं है, बहुत ही बड़ी बात है। अब दोस्तों पीडीएफ आप कैसे पा सकते हैं, देखिए दोस्तों पीडीएफ आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 6396453592 अगर इस पर हमें अभी मैसेज करते हैं तो दोस्तों पीडीएफ आपको अभी मिल जाएगा। ये नंबर आपकी जिंदगी बना सकता है मेरे दोस्त, इस नंबर को चाहे अभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए चाहे दोस्तों नोट कर लीजिए, वो मैं नहीं जानता, लेकिन अगर आपको इस बार वर्दी चाहिए ना तो ये नंबर दोस्तों आपकी जिंदगी बनाएगा। किसी भी किताब को आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप हमारी इस पीडीएफ को पढ़ लेते हैं, क्योंकि दोस्तों आपको कुछ ज्यादा पढ़ना ही नहीं है, जो सिलेक्टेड आपको दिया जा रहा है वही आपको पढ़ना है और एसएससी जीडी दोस्तों आपका पार हो जाएगा। जी दोस्तों, मैं आपको दावे के साथ बोल सकता हूँ जितना हम आपको दोस्तों मटेरियल प्रोवाइड करें अगर इतना ही आप पढ़ लेते हैं तो दोस्तों कोई ताकत नहीं है जो आपको इस बार एसएससी जीडी में पास होने से रोक पाए। ये दोस्तों मैं सभी से बोल रहा हूँ, वो जो पड़ोसी बोलते हैं ना कि तुझसे ना हो पाएगा, दोस्तों इस बार तू भी वर्दी पहनेगा और उनके सामने ही दोस्तों यहाँ पर वर्दी पहन के घर से निकलेगा कि हाँ मैंने भी एसएससी जीडी को क्लियर किया है। तो दोस्तों बिल्कुल मैं आप सभी से बोल रहा हूँ, अगर इस बार भी दोस्तों आपने इग्नोर कर दिया ना तो फिर कुछ नहीं हो सकता दोस्तों, फिर कुछ नहीं हो सकता। ये मौका है आपके पास, इस मौके को इस बार हाथ से बिल्कुल मत जाने दीजिए। तो दोस्तों आपकी समझ में आ गया है, अगर पीडीएफ चाहिए तो इस नंबर को नोट कर लीजिए, अभी दोस्तों मैसेज कर लीजिए, पीडीएफ आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि आगे दोस्तों आपका एग्जाम कब से होने वाला है, एडमिट कार्ड कब से आने वाले हैं। तो दोस्तों इससे पहले आप सभी के लिए एसएससी की तरफ से जो यहाँ पर एक दोस्तों गाइडलाइन जारी की गई है आप सभी के लिए कि किन किन अभ्यर्थियों के फॉर्म रिजेक्ट होंगे, तो उनके लिए दोस्तों कुछ मैं बता देता हूँ क्योंकि अभ्यर्थी लगातार परेशान हो रहे थे कि भाई हमने क्या गलती कर दी है। तो देखिए दोस्तों, वो छोटी मिस्टेक तो आप सभी को पता होना चाहिए कि भाई आपने अपने फादर नेम में गलती की है या मदर नेम में गलती की है या दोस्तों अपने नाम में गलती की है या डेट ऑफ बर्थ में गलती की है, अदरवाइज जो भी आपने गलती की है वो तो आप सभी जानते हैं। लेकिन दोस्तों कुछ ऐसी गलतियां जो आप नहीं जानते हैं जिससे आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, वो दोस्तों एसएससी ने आपको खुद बताया। देखिए, अगर दोस्तों आपने सिग्नेचर कुछ इस तरह किए हैं जैसे फर्स्ट में किए हैं या ऐसे किए हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों, सिग्नेचर तो कैसे भी कर सकते हैं, बस आपको वो सिग्नेचर दोबारा आने चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने एक बार सिग्नेचर कर दिए फिर आप भूल गए कि मैंने कैसे किए थे, तो सिग्नेचर तो ऐसे करने चाहिए।
उसके बाद अगर दोस्तों आप यहाँ पर लाल पेन से सिग्नेचर करते हैं तो दोस्तों मिस्टेक हो सकती है आप सभी के। अगर आप बॉक्स से दोस्तों बाहर नाम लिखकर आपने सिग्नेचर किए हैं तो दोस्तों तब भी आपको दिक्कत हो सकती है, क्योंकि आपने बॉक्स से बाहर नाम लिखा है। ये देखिए बॉक्स से बाहर नाम लिखा है, तो ऐसे में आपको दोस्तों प्रॉब्लम हो सकती है। उसके बाद देखिए दोस्तों कुछ ऐसे अगर आपने सिग्नेचर किया है जो दोस्तों खुद आपको नहीं दिखाई देगा तो भाई वहाँ भर्ती बोर्ड को क्या नजर आएगा वो, तो ऐसा दोस्तों नहीं करना है। ऐसे तो आपने किया है यानी बॉक्स से अगर बाहर निकाल के दोस्तों सिग्नेचर आपने किया है तो ये दोस्तों मान्य नहीं होगा, ठीक है। या दोस्तों कुछ ऐसे किया है यहाँ पर कुछ नजर नहीं आ रहा है, नीचे दोस्तों आप सभी का बैकग्राउंड ब्लैक है और ऊपर भी दोस्तों आपने ब्लैक से लिख दिया तो कुछ नजर नहीं आया, तो ऐसे में दोस्तों आपके यहाँ पर जो ये है फॉर्म है वो रिजेक्ट होने की कगार पर आ जाता है, ठीक है। बिल्कुल दोस्तों अब बात करते हैं भाई फोटो कैसे अपलोड करना है। देखिए भाई फोटो आपका इस फॉर्मेट में होना चाहिए, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं बिल्कुल साफ सुथरा। अगर दोस्तों आप फोटो को ऐसे कोने पर लगा देते हैं तो तब भी आपका फोन रिजेक्ट होगा। चश्मा पहन के दोस्तों अगर आप फोटो खिंचाते हैं तब भी आपका फोन रिजेक्ट होगा। अगर आप ऐसे अंधेरे में पीछे बैकग्राउंड दोस्तों कुछ और है और आपका चेहरा नजर नहीं आ रहा है तो ऐसे में दोस्तों आपका फोटो जो है किसी को साफ नजर नहीं आएगा और आपका वो दोस्तों रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और इसमें गलती क्या है भाई, देखिए इसमें आपका जो बैकग्राउंड है देखिए कैसा है बैकग्राउंड, ऐसा बैकग्राउंड आपको नहीं लगना है, ठीक है। और देखिए दोस्तों यहाँ पर इस साइड को आप नज़र आप देख रहे हैं इस साइड, तो ये भी दोस्तों बहुत गलत चीज़ है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए ब्लैक ब्लैक नज़र आ रहा है आपके चेहरे पर, ये भी मिस्टेक है दोस्तों। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर देखिए इस कपड़े से इस मुंह को ढका हुआ है, ये भी गलत है। तो इस फॉर्मेट में दोस्तों अगर आपने भाई फोटो को यहाँ पर लिया है तो आपका दोस्तों फॉर्म रिजेक्ट होने के कगार पर आ जाएगा, ये दोस्तों आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये तो भाई बात होगी रिजेक्ट की कि भाई रिजेक्ट कैसा पता कर सकते हैं आप, तो मैंने सब कुछ बता दिया है। तो वो दोस्तों छोटी मोटी मिस्टेक जो होती है आपके कि आपने किस में गलती की, अपने नाम में, अपने फादर नेम में, मदर नेम में, या दोस्तों डेट ऑफ बर्थ, या दोस्तों आप सभी की जो मैट्रिक की मार्कशीट है या ट्वेल्थ की मार्कशीट है उसमें अगर आपने कोई मिस्टेक किया तो वो दोस्तों आप सभी जानते हैं, वो मैं नहीं जानता। लेकिन फ्रेंड्स मैं आप सभी को एक बात ये बता रहा हूँ कि भाई अगर ये गलती आप कर रहे हैं तो तब भी आपका फॉर्म यहाँ पर एक्सपेक्टेड नहीं माना जाएगा, ठीक है। अब चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं कि भाई कब से आपका एग्जाम होगा और कब से दोस्तों आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। दोस्तों बात करते हैं अब एसएससी जीडी के एग्जाम के बारे में कि आपको एग्जाम की जो न्यूज़ है वो कब तक मिल सकती है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं, पहले ये चेक कर लीजिए कि भाई फॉर्म कितने फिलअप हुए हैं। तो फॉर्म जो फिलअप हुए हैं दोस्तों आप सभी को मैं बता दूं 46,000 यानी दोस्तों 40 लाख प्लस फॉर्म अप्लाई हुए हैं, 46,000 यानी दोस्तों 40 लाख, ठीक है। अब 40 लाख फॉर्म अप्लाई हुए हैं। अब इसे देखकर दोस्तों आप घबरा बिल्कुल मत जाना कि भाई 40 लाख फॉर्म यहाँ पर अभ्यर्थियों ने कर दिए हैं तो हमारा क्या होगा। तो दोस्तों बिल्कुल कुछ नहीं होने वाला यार, आप सभी अच्छे से दोस्तों फॉर्म, दोस्तों इसमें कुछ ऐसे अभ्यर्थी भी हैं जो कंपनी में काम करते हैं, जॉब करते हैं, जिन्होंने बोल दिया कि चलिए भाई एसएससी जीडी की वैकेंसी आ रही है चलो फॉर्म डाल देते हैं, उनका ये काम था। तो दोस्तों इसमें से कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी दोस्तों यहाँ पर क्या हुआ, मतलब कुछ ऐसे हैं जिनकी हाइट कम है, ठीक है। कुछ ऐसे हैं दोस्तों जिन्होंने मतलब भाई यहाँ पर मजे में फॉर्म को फिलअप कर दिया है, यानी जिनकी शादी हो गई है, कह रहे भाई चलो मजे में देख ले चलते कहीं घूम भी आएंगे फॉर्म के चक्कर में, कहीं पर दोस्तों आराम से घूम भी जाएंगे। तो ऐसे दोस्तों बहुत होते हैं, तो सभी को अगर मैं काट दूँ ऐसे लोगों को तो कम से कम दोस्तों 30,000 पर आपका कंपटीशन रहेगा, ठीक है। 30,000 प्लस आप बोल सकते हैं, इसमें से मैंने 15,000 दोस्तों काट दिए हैं, तो 30,000 लोग दोस्तों ऐसे होंगे जो दोस्तों इसमें आप सभी के पेपर देंगे। भाई यहाँ पर कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं जो पेपर देने नहीं जाते हैं, उनको भी तो काटना पड़ेगा ना। आप लोग मुझसे ये बोलेंगे कि भाई इतने लोगों को कैसे काट दिया, तो दोस्तों सीधी सीधी बात यही है कि अभी देखिए दोस्तों यहाँ पर मैंने 30 लाख लोगों को काट दिया है, सॉरी 30 लाख लोग इसमें फॉर्म देंगे और 15 लाख लोग ऐसे हैं जो मैंने मान लिया फॉर्म फिलअप किया है, एग्जाम देने नहीं जाएंगे, कुछ दोस्तों अपने घर रहेंगे, कुछ का दोस्तों छूट जाएगा पेपर, ऐसे मैंने दोस्तों 15 लाख लोग मान लिए हैं। 15 लाख दोस्तों निकल जाते हैं यार, क्योंकि आप सभी जानते हैं, आपने देखा दोस्तों बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे होते हैं जो फॉर्म देखते हैं कि यार ये बहुत दूर हमारा सेंटर पड़ गया तो हम नहीं जाते हैं। तो दोस्तों ये तो रहे भाई यहाँ पर आप सभी की बात, ठीक है। अब मैं आपको एक बात और समझाता हूँ, वो क्या है। अब आप मुझसे पूछेंगे भाई हमारा एग्जाम कब होगा, तो देखिए दोस्तों दिसंबर, अभी आपका जो एग्जाम है वो दिसंबर महीने में होगा, बिल्कुल दोस्तों कन्फर्म हो चुका है भाई। आप सभी लोगों के पास जो टाइम है बहुत कम बचा है, दिसंबर महीने में आपका एग्जाम जो है कंडक्ट करा लिया जाएगा, क्योंकि भाई दिसंबर में आप सभी जानते हैं पहले अभी आपका जो एमटीएस का एग्जाम है वो भी रह गया है, एमटीएस का एग्जाम होगा उसके बाद दोस्तों आपका जो एसएससी जीडी का एग्जाम है वो कंडक्ट कराया जाएगा। तो सबसे पहले दोस्तों मल्टीटास्किंग स्टाफ सिलेक्शन का जो एग्जाम वो कराया जाएगा, उसके बाद दोस्तों एसएससी जीडी का जो एग्जाम है वो दिसंबर महीने में कराया जाएगा, ठीक है। तो दिसंबर महीने में दोस्तों आपका एग्जाम होगा, तो आपके पास अभी ये समझ सकते हैं कि भाई
4 महीने आसपास बचे हुए हैं आपके। तो 4 महीने में दोस्तों आपने जो पढ़ा नहीं है तो बिल्कुल पढ़ लीजिए, क्योंकि 4 महीने में दोस्तों अगर आप कुछ नहीं पढ़ेंगे तो फिर आपका यही हाल होगा कि भाई फिर नई वैकेंसी कब आ रही है। तो एक बात तो ये साफ हो चुकी है कि भाई दिसंबर में आपका एग्जाम होगा, और यहाँ पर दोस्तों कितने फॉर्म भर गए, 46 लाख+ फॉर्म भर गए, ये आपको पता चल गया। अब दोस्तों कंपटीशन आप सभी के हाथ में, कि आप कंपटीशन को कैसे ले रहे हैं, हल्के में ले रहे हैं या दोस्तों बिल्कुल आप सभी ने यहाँ पर सीरियस होना स्टार्ट हो कर दिया है, ठीक है। तो ये PDF दोस्तों आप ले लीजिएगा, मैंने आप सभी को बोल दिया है, नंबर भी मैंने आपको बता दिया है। तो PDF लेने के बाद दोस्तों आपका पक्का यहाँ पर 100% श्योर सिलेक्शन हो जाएगा भाई, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आपने इस वीडियो में सब कुछ जाना, और आपका जो भी क्वेश्चन है वो दोस्तों कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा। तब तक धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।